खबर कराहल से है, जहां आज गजरी बाई ने कराहल तहसील पहुंचकर एसडीएम से शिकायत की है कि कराहल में मुख्य रोड पर ऐसे तो उसके पति हरिकिशन के नाम से जमीन थी। पति हरिकिशन की मौत हो जाने के बाद उस बेशकीमती जमीन को कराहल पटवारी ने साठगांठ करके वैध वारिशों के नाम नामांतरण ना करते हुए शेष अन्य लोगों के नाम नामांतरण कर दी है, जबकि मेरे पति के बाद वह जमीन मेरे और मेरे बच्चों के नाम से होनी चाहिए थी। मैंने उस जमीन को ढाबे के लिए 2000 रुपये महीने के हिसाब से किराए पर दे रखा था, जिससे भी पटवारी द्वारा अधिकारियों को झूठी नामांतरण रिपोर्ट दिखाकर तुड़वा दिया गया है। अब मेरी रोजी रोटी तक का संकट मुझ पर बनाया है। वहीं इस मामले में महिला द्वारा कराहल एसडीएम को शिकायत दर्ज करवा दी और कलेक्टर से भी कराहल पटवारी की शिकायत करने की बात कही है। वकील ने भी हमसे बात करते हुए बताया कि नामांतरण पूरी तरह से फर्जी तरीके से किया गया है। पटवारी ने बिना किसी नियम का पालन करते हुए किसी लालच या अन्य दबाव में आकर वैध वारिशों के नाम नहीं जोड़े हैं। वहीं इस मामले में कराहल एसडीएम ने भी बताया कि मामला गंभीर है। पटवारी द्वारा वैध वारिशों के नाम नामांतरण ना करने की अपील मेरे न्यायालय में पेश हुई है। अब देखना होगा कि पहले से ही बाढ़ राहत राशि में दोषी पाए गए पटवारी पर अब इस नए फर्जी नामांतरण मामले पर कराहल प्रशासन क्या एक्शन लेगा। क्या अभी भी इतने आरोप लगाने के बाद कराहल पटवारी को मुख्यालय से नहीं हटाया जाएगा। गजरी नाम है मेरा। क्या मामला है, क्यों आए हो आप आज एसडीएम साहब के? रोड किनारा जमीन है, उसका ढाबा तोड़ दिया है, न मेरी जमीन है। वो कौन सी जमीन है आपकी? बटारी किनारा। किसका ढाबा तोड़ दिया? ये हमारे मेरी बनाया नहीं हमने, जो न तोड़ दिया और कब्जा कर लिया। अच्छा, तुम्हारा जो ढाबा तुमने बनाया था, वो ढाबा हमारा ये था। तो अभी किसने मतलब क्या कागजों में क्या फर्जीवाड़ा हो गया? फर्जी वो करवा दिए इन्हें, पटवारी ने क्या करवा दिया? नामांतर हमारे नाम नहीं होया, उसके नाम करवा दिया। दूसरी है वो नहीं है असली पत्नी, मैं ही हूँ। आपके पति का नाम क्या है? हरिकिशन। तो हरिकिशन की आप पहली पत्नी है? पहली पत्नी हूँ मैं। तो आपके नाम नहीं आया है कोई भी नामांतरण? मेरा नाम नहीं आया कुछ भी ना। उस बेशकीमती जमीन में से आपका नाम हटा दिया गया है? हटा दिया मेरा नाम। अभी आप क्या चाहते हो? हमें ये ढाबा तोड़ दिया गया है, क्या कहना चाहती हो इस पर? कराहल तहसील ढाबा तोड़ दिया मेरा, क्यों तोड़ा? मैं तो मजदूरी करवे खावे गई, यानी आई मैं सोपुर में काम करवे गई। मैं तो बहुत दिन से सोपुर में रही, मैं आ गई, मेरा घर मकान भी तोड़ा और बिना घर मकान भी बना लिया, और मेरा कुछ भी नहीं मिला। मुझे नहीं मिला, मेरी औलाद को नहीं मिला, और मुझे तो चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पति की मृत्यु होने के बाद में वो नाम कैसे दूसरों के नाम चढ़ गई, कौन इसमें शामिल है? वो आ गई गिरी ग्रह काई से, मेरा आदमी नहीं लाया, दूसरे लाया। अब वो आ गई पटवारी ने सबका चुकर दिया, पटवारी के नाम है। पटवारी ने क्यों काम करा, ये फर्जी काम क्यों करा? जब मुझे बुलाते, मुझे क्यों नहीं बुलाए? मेरी औलाद क्यों नहीं बुलाई उनने? जब फर्जी काम करे पटवारी ने, कितने नोट भरे है, कितने नोट दे पटवारी को इसने, उठाई गिरी है वो। मैंने क्यों लाए नोट पटवारी ने? पटवारी से मतलब नहीं आई हो, यहाँ से काम नहीं होता तो कहाँ जाओगी? यहाँ से काम नहीं होगा तो मैं कलेक्टर के जाऊंगी, सोपुर हाई कोर्ट जाऊंगी, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगी, बहुत दूर जाऊंगी मैं तो। आपका जो ढाबा भी तोड़ दिया प्रशासन को इतनी जल्दी में, क्यों तोड़ दिया? प्रशासन ने क्यों ढाबा तोड़ा मेरा? इनको तो नहीं तोड़ना चाहिए नी। कोई गरीब आदमी मजदूरी करने गया तो मजदूरी करके कहा गया हम यहाँ काम नहीं है, यहाँ तो हम मजदूरी करके निकल जाते हैं, तो इन्हें क्यों काम करा इसने? ये हमको बुलाते जब तोड़ते ये ढाबा, पैसा से तो काम ही नहीं होता है, बगैर पैसा काम ही नहीं है। पैसा लिया जब ही तो आया है, ये मिल के काम करे हुए इनने। अभी आप एसडीएम साहब के यहाँ पे आई हो, वकील के साथ आपने आवेदन दिया है, एसडीएम साहब ने क्या कहा है? एसडीएम ने कहा काम तुम करो, काम तुम्हारो पूरो कार्रवाई करो तुम्हारी, हमारी जो जमीन हमारी रहेगी, दूसरे की क्यों रहेगी उठाई गिरे इनकी। क्या नाम है आपका? हरिओम। हरिओम, क्या मामला है, आप तहसील आए हो? ये जमीन का केस के बारे में आया। कौन सी जमीन है तुम्हारी? ढाबा वाली। मतलब ढाबा वाली कौन सी? बटारी के यहाँ। बटारी के नाम। मतलब कौन के नाम थी वो जगह पहले? हरिकिशन के, मेरे बाप का नाम थी वो। तो आप हरिकिशन के कौन हो? बड़ो बेटांग में पन्नेटू का। तो तुम्हारे नाम नहीं आई वो जगह? वो जगह हमारे नाम नहीं आई। तो वो जगह कैसे किसी और के नाम चली गई? वो जगह क्या, वो पटवारी लेके पैसे दूसरे का नाम करवा दी वो, और हमारा वो जमीन में से नाम हटवा दिया। और वो जो ढाबा बन रहा था वो कौन का था? वो हमारा था। तो जो प्रशासन तो उसको तोड़ा है ढाबे को? तोड़ा है। अभी आप क्या चाहते हो? अब हमको जमीन चाहिए वापिस, हमारा नाम आना। सर अभी आपके पास एक अपील आई है सर, ये फर्जी नामांतरण की जो करोड़ों की भूमि को सर एक पटवारी द्वारा पूर्ण रचित दस्तावेज पेश करके जो अधिकारी वारिस है उनका नाम छोड़ दिया है, और जो उसकी जो दूसरी पत्नी है
जिस व्यक्ति की उसके पुत्र पुत्र और पुत्रियों के नाम जमीन को पटवारी नामांतरित कर दिया, तो उन्होंने आज एक अपील लगाई है कि ये उनके साथ गलत हुआ है। सर दिसंबर जो 2021 है उसमें पटवारी सर उसको कुशवा थे, क्या कहते हैं सर? अभी एक अपील मेरे यहाँ प्रस्तुत की गई है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो वैध वारिस थे उनको छोड़कर किसी अन्य वारिसों को नामांकन कर लिया गया है। हमने हमारे यहाँ प्रकरण दर्ज कर लिया है, विधि अनुसार दोनों पक्षों को हम सुनवाई का अवसर देंगे और फिर उसमें तदनुसार फैसला करेंगे। सर एक चीज़ और है सर, वहाँ जो ढाबा बना था सर, ये महिला कह रही है कि उस ढाबे से मुझे 2000 रुपये की इनकम होती थी, किराए से मैंने ढाबा दे रखा था, मेरी गैर मौजूदगी में छोड़वा दिया सर, कुछ आरोप भी सर, मतलब इस पर क्या मान सर? इसकी जांच करेंगे, यदि वो ऐसा शिकायती आवेदन उन्होंने प्रस्तुत किया है तो निश्चित हम उसकी जांच करेंगे। एडवोकेट बंसल जी, आपके जो आए थे क्लाइंट, अभी क्लाइंट हैं गजरी आदिवासी जो अभी आई थी तहसीलदार साहब के यहाँ, एसडीएम साहब के यहाँ पर पेश हुई हैं, क्या मामला है विस्तार से बताइए। ये एक फर्जी नामांतरण का मामला है क्योंकि वैध वारिसों को छुपा करके और नामांतरण करा लिया कौन, सोनू ने, ये आदेश है 8/12/2021 का। तो इसमें क्या है कि ऐसा है, पटवारी ने पंचनामा में कुछ लिखा है और अपनी रिपोर्ट में कुछ लिखा है, एक जगह देखो जिले स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हरकिशन पुत्र मांगया जबकि इसका भाई है, 1/2 के हिस्सेदार हैं दोनों भाई जी, और हरकिशन की गजरी ब्याहता पुत्री वो है, पत्नी है, और इसके क्या है गजरी के एक हरिओम लड़का है, एक धोड़ा लड़की है, ये आप वर्तमान में सोपुर में रहती हैं, और इनको इन्हें छुपा करके और इन्हें ये नामांतरण कर दिया। अब ये मेरे पास आई तो मैंने ये नामांतरण की नकल निकलवाई, नकल निकलवाने से स्पष्ट हुआ है कि इन्हें वैध वारसों को छोड़ करके और नामांतरण करा लिया गया है, तो इसकी हमारे द्वारा अपील कर दी गई है, अपील कर दी गई है। अब अपील में श्रीमान अनुभागीय अधिकारी इसकी सुनवाई कर रहे हैं। और दूसरा है कि जिस नामांतरण का साथ बुल लेकर के जिन्होंने सहायता लेकर के धारा 250 लगा दी थी, इसे गजरी ने बताया मुझे कि मैंने कुछ दिन पहले जो मेरी रोड किनारे की ज़मीन थी उस पर मैंने एक झोंपड़ी टाइप की बनाई रहने के लिए, तो मैं क्या है मजदूरी के लिए वह सोपुर में रहने लगी, मजदूरी वहाँ सोपुर में करती हूँ, तो मैं अपने पालन पोषण के लिए वहाँ रहती हूँ, और झोंपड़ी को मैंने किराए से दे दिया रामू श्यामू को, उन्होंने उनको ढाबा में परिवर्तित कर लिया, उससे मुझे 2000 रुपये मिलते थे। अब ये सोनू ने 250 की कार्रवाई कराते हुए और वो ढाबा को तोड़वा दिया, ना बिना किसी जांच पड़ताल के, किसी ने ना जांच करी कि जी किसकी भूमि है, कैसी भूमि है, और सोनू को भूमि कहाँ से प्राप्त हुई, अगर सोनू की दो हिस्सेदार है या सोनू के हिस्से में कितनी पड़ रही है आज की कंडीशन में, उसके हिस्से बटा में कितनी पड़ रही है, अपन कितने दावा को तोड़े, ये भी इन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने पूरा दावा उसको ध्वस्त कर दिया। आज वो उपस्थित हुई है, उसकी भी हमने 250 की भी अपील करी है। हमने ये भी बात पूछी, सोनू बार बार श्रीमान कलेक्टर महोदय के पास जाते और कलेक्टर महोदय साहब ये बार बार यही बातें बोलते हैं कि कब्जा दिलवाया जाए, कब्जा दिलवाया जाए, वे भी ये नहीं देख रहे कि ये मामला क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, और इसमें क्या है कुछ दिन पहले अंतरिम ऑर्डर पारित किया गया, तो अंतरिम ऑर्डर के बाद कोई कार्रवाई ना करते हुए डायरेक्ट इन्होंने 3/10/2023 को एक ऑर्डर सीट पे ही एक आदेश पारित किया और उसमें सीधा लिख दिया कि इसमें कोई कार्रवाई शेष नहीं, जबकि जो पिछले तहसीलदार थे उनने कोई आदेश नहीं किया था इसमें, यार अंतरिम ऑर्डर किया इसमें, अंतरिम ऑर्डर के बाद कोई तामील पे वगैरह कोई बात नहीं कराई, अगर वो कराई होती तो हम इसकी अपील वगैरह करते हैं, आदेश पारित करते तो उसकी अपील करते। प्रथम दृष्टि मामला संज्ञान वैसा है, मतलब कि इन्हें सभी कार्रवाई इसमें नियम से नहीं हुई, सभी कार्रवाई किसी दबाव में, किसी लालच में, किसी इस तरह हुई हैं, ये कोई नियम से इसमें एक भी फाइन नियम से कार्रवाई नहीं की। अगर नामांतरण के प्रकरण को देखा जाए तो नामांतरण के प्रकरण में भी जल्दबाजी हुई है। अब ये ना तो श्रीमान तहसीलदार महोदय ने इसको इस सजरा को पढ़ा है और ना ही पटवारी ने इस सजरा बनाते समय, ऐसा लग रहा है देखो इस पे देखो इन पे सत्तू के साइन हैं और कपूरी के साइन और सोनू के साइन,
सत्तू कौन है इसमें? कपूरी और सोनू तो बारिश से हैं उनके, ये कौन है सत्तू? सत्तू है, ऐसा लगता है कि जिन के जाए पटवारी जी के जाए कर्मचारी वो मतलब काम वैसे ही करते होंगे और वही है ये। उस समय पटवारी हल्का पटवारी कौन थे उस समय? पटवारी हल्का सब जे साइन किसके हैं? अशोक है सर, अशोक कुशवाहा। ऐसा लग रहा है ये जो आँख मीच के पंचनामा और जो सारी चीज़ें सब आँख मीच के बनाई गई है। इसमें देखो यहाँ पे देख रहे हैं हरकृष्ण पुत्र पुण्य लिखा है, यहाँ सजरा में हरकृष्ण पुत्र मांग्या लिखा है। कुल मिला के यह है कि कूट रचित दस्तावेज पेश करके लाखों करोड़ों की भूमि को कुर्दवर्त किया गया है, जिन जो मुख्य वारिस थे उनको दरकिनार कर दिया गया है। मतलब मामला बड़ा संज्ञेय है, इसमें अधिकारियों की भी मिली भगत सामने आ रही है। अब अंततः जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा कि मामले में क्या कुछ हो सकता है।